अगर आपने एक सीधी सिंपल 9 to 5 जॉब वाला लड़का आपने लिए चुना है तो वो आपको प्रॉपर टाइम तो दे सकता है, पर आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शायद वो आपके बहुत बड़े बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकता। अगर आपने एक बिजनेसमैन को चुना है तो शायद वो आपको सारी सुख सुविधाएं तो दे देगा, पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो शायद आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगा। अगर आपने एक स्टार्टअप वाला बंदा अपने लिए चुना है जो ड्रीमर है या एम्बिशियस है, तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी और टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी। अगर आपने एक बोल्ड और ब्रेव लड़का अपने लिए चुना है तो उसके साथ आप प्रोटेक्टेड तो फील करेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि वो थोड़ा सा जिद्दी होगा, स्टबर्न होगा और हर चीज पर उसके अपने थॉट्स होंगे। अगर आपने एक महानता टाइप का या ग्रेटनेस टाइप का बंदा अपने लिए चुना है तो आप उस पर प्राउड तो कर सकेंगे, पर आपको ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि वो थोड़ा हार्ड होगा, स्ट्रिक्ट होगा और अपने डिसीजन को लेकर बहुत फर्म होगा। तो आप दुनिया में कैसा ही लड़का चुन लें, आपकी सारी एक्सपेक्टेशन सब जगह पूरी हो ही नहीं सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाएगा। तो ईश्वर ने जो आपको दिया है या जो आपने खुद अपने लिए चुना है उसे ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना।